नूरपुर की अनीता ने एक बार फिर दिखा दिया कि आज लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं हैं। मिक्स मार्शल आर्ट में लगातार कई खिताब अपने नाम करने वाली अनीता ठाकुर ने एक बार फिर से मिक्स मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड क्वालिफाइड चैंपियनशिप जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। दिल्ली के त्यागराज खेल मैदान में आयोजित इस चैंपियनशिप में अनीता ने गोल्ड मेडल हासिल कर न केवल जीत हासिल की है बल्कि अब बेहतरीन में होने जा रही वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में भी स्थान हासिल कर लिया है। इस चैंपियनशिप में अनीता किस प्रकार का प्रदर्शन करती है ये तो भविष्य के गर्व में है, लेकिन इस खेल में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से अनीता ने जता दिया कि अगर इंसान में लगन और कड़ी मेहनत करने का जज्बा हो तो फिर तो किस क्षेत्र से है और किस प्रकार की असुविधाओं का सामना करने की चुनौती हो वो मायने नहीं रखता है। गौरतलब है कि अनीता नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुठेर गांव से संबंध रखती है। वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय नूरपुर की छात्रा है, जहां बचत भवन नूरपुर में इस खेल को लेकर पर्याप्त सुविधाएं न होने के बावजूद अनीता ने इस खेल में अप्रत्याशित जीत हासिल कर प्रदेश का शीर्ष गर्व से ऊंचा कर दिया है। ज्ञात रहे कि मिक्स मार्शल आर्ट खेल जूडो, बॉक्सिंग और कुश्ती का मिला जुला खेल है, जहां विपक्षी खिलाड़ी घुटनों पर लाकर हार कबूल करवाना होता है। अनीता ये खेल खेलने वाली प्रदेश की एकमात्र खिलाड़ी हैं। दिल्ली में आयोजित इस प्रतियोगिता में देश के साथ विदेशी खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे थे, लेकिन अनीता के भार में कोई भी विदेशी खिलाड़ी नहीं था। इसीलिए मुकाबला पहले हरियाणा, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा फाइनल मुकाबला कर्नाटक के खिलाड़ी से हुआ, जिसमें अनीता ने जीत हासिल की है। अब अनीता का अगला लक्ष्य बहरीन में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीत हासिल करना है। अनीता की इस जीत से पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास का वातावरण है।